हेलो गाइस, कैसे गाइस पब्लिक। आई एम गोइंग टू मैंगलोर। ओके, तो मैं मतलब सेम टू सेम कपड़ा पहना हुआ है, बिकॉज उसी वीडियो के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। सो कैसा है कि मैं मतलब पैकिंग कर रही हूँ अपने बैग का, एंड मुझे कैसा है ना, जैसे तुम लोग को पता है मुझे बात करना बहुत पसंद है। अभी लास्ट वीडियो मैंने बहुत छोटा सा बनाया था मेरे हिसाब से, ऑल्दो तुम लोग के लिए वो सही था। हाँ, तो बहुत छोटा बनाया था और मुझे तुम लोग से बात करने का मौका नहीं मिला था उस वीडियो में, बड़बड़ करने का। सो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना ली थी और तुम लोग से बातें बातें करती रहती हूँ। ओके, सो अभी मैं फ़िलहाल ना पैकिंग कर रही हूँ मैंगलोर जाने के लिए। शांत। ओके, सो पैकिंग करते करते ना मैं तुम लोग से बड़बड़ भी करूँगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। तो एक मिनट, पहले मुझे ओपन कर लेने दो। मैं इतना ही छोटा ले रही हूँ क्योंकि मैं कुछ 10 to 15 days के लिए जा रही हूँ। मैं डेट नहीं बता सकती क्योंकि मेरी कज़िन बहन लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, एंड उन लोग के लिए एक सरप्राइज़ है कि हम मैं कब जा रही हूँ गाँव। सो दैट इज़ द रीज़न मैं तुम लोग को डेट नहीं बता सकती अभी। बट येस, पैक करते हुए तुम लोग से बातें ज़रूर कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग एंड द चिट चैट। तो हम लोग ने एक्चुअली ना इस साल नहीं एक्चुअली हम लोग ने 3 साल का ना गणपति रखने का मन्नत रखा था मम्मा ने। सो पिछले साल हम लोग ने फर्स्ट ईयर था हम लोग का गणपति रखने का। आई एम सो सॉरी गाइज, ऑफेंड मत होना। गणपति बैठाने का इस साल हम लोग का सेकेंड ईयर है पप्पा बैठाने का। सो हम लोग ने एक्चुअली ना कुछ चीज़ें हम लोग ने रेडी कर ली है, जैसे कि हम लोग ने ना ये मीशो से ऑर्डर किया है, बहुत बड़ा है एक्चुअली। मीशो से ऑर्डर किया है, 12 pieces समथिंग 500 के आसपास है। फ्लावर बेस्ड मुझे बनाना था, मतलब एक थोड़ा सा नेचर वाला ये आना चाहिए बोल के मैंने ये किया है। एंड द सेकेंड वन एक मतलब ऐसे ना लीव्स है एक्चुअली बहुत सारे, वो कुछ मुझे 300 के आसपास आए थे मीशो में ही। अभी कैसा ना, लोग बोलेंगे इतना सस्ते में क्या कर रही थी। सो बेसिकली मेरा कैसा है ना कि मीशो में अगर अच्छा नहीं आता तो मैं अमेजोन में जाती, बट अगर मीशो में अच्छा आया है, विच आई थिंक काफ़ी अच्छा आया है, मुझे अच्छा लगा बहुत, ओपन करके देखा था मैंने। सो हम लोग ने एक्चुअली अमेजोन के लिए ये किया नहीं, और अमेजोन में जो भी चीज़ें थे वो थोड़ी लेट आ रही थी गाँव जाने के हिसाब से। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग ने मीशो पे स्टिक किया। सो तुम लोग से बात करने के चक्कर में ना मैं अपना सूटकेस भर नहीं पाऊंगी। सो यस, तो मैंने ना सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग ने मीशो से मतलब डन कर दिया। अभी सीन ऐसा है ना कि मैं गांव जाने वाली हूँ और मैं ना मतलब वहाँ पे भी वीडियोस बनाने वाली हूँ। हमारे गांव में कोला होता है, जिसने भी कांतारा मूवी देखा होगा उन लोगों को पता चल गया होगा कि कोला क्या होता है। तो दैट इज़ व्हाट हमारे घर पे भी होता है बहुत सालों से, मतलब मेरी जो अज्जी थी, अज्जी की अज्जी या अज्जी की मम्मी होगी, तब के टाइम से हमारे घर पर कोला होता है। सो मेरा दूसरा जीन्स, हाँ सो ना मैं जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा दिन के लिए जा नहीं रही हूँ, तो मैंने छोटा सा बैग लिया हुआ है। एंड हम लोग का एक्चुअली ना प्लान एक्चुअली कैसा है, हम लोग अभी ना कार में जा रहे हैं। ये ना एक्चुअली हम लोग ने प्लान नहीं किया था कि हम लोग कार में जाएंगे, हम लोग ट्रेन में जाने वाले थे। बट हमारी लाइफ में जैसे कि तुम सबको पता है कि लूना आई थी, तो लूना की वजह से हम लोग ने डिसाइड किया। अभी कैसा है ना, मैं तुम लोग को ट्रेन का बताती हूँ। ट्रेन का सीन ऐसा है ना, एक मिनट, मुझे ड्रेस मिल नहीं रहा है मेरा। ओके, तो मैंने 2 dress लिया हुआ है, बिकॉज वहाँ पर हम लोग मंदिर में और कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। स्पेशली वहाँ पर मंदिर में अलाउ नहीं है जीन्स, जितना मुझे पता है। तो दैट इज़ द रीज़न हम लोग जीन्स पहन के नहीं जा सकते हैं। सो हाँ, तो गाइस कैसा है ना, अभी मैं किस बारे में बात कर रही थी मैं भूल गई इससे पहले, मंदिर से पहले। हाँ, तो लूना आई, तब से हम लोग ने प्लान किया। एक्चुअली हम लोग ट्रेन में ही जाने वाले थे, बट ट्रेन का कैसा है ना, हम लोगों को कूप खरीदना होता है, कूप वाला, जिसमें ना दो, फर्स्ट एसी में कूप खरीदना होता है जिसमें 2 होता है। वो भी अभी हम लोग टिकट निकालेंगे तो फिक्स नहीं है कि हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। सो इट्स वेरी एक्चुअली रिस्की कि तुम लोग को मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक रील्स भी देखा था जहाँ पर ना लोगों को एक्चुअली मिला नहीं था सीट, उन लोग ने कूप बुक करने के बावजूद उनको मिला नहीं था, जो कि हम लोग को रिस्क लेना नहीं था, बिकॉज लूना बहुत छोटी है एंड इसके साथ हम लोग अभी रिस्क लेना नहीं चाहते। शी नीड्स टू हैव अ हैप्पी राइड, यू नो। तो इसलिए हम लोग ने फिर प्लान किया, मतलब मेरे पार्टनर ने प्लान किया कि हम लोग कार में जाएंगे।
अब जब हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग कार में जाएंगे, तो थोड़ा सा हम लोगों को ना टेंशन किस बात का था पता है क्या, कि लूना कैसे बिहेव करेगी कार में, वो मतलब सेटिस्फाइड रहेगी कि नहीं. सो हम लोग ने एक्चुअली ना जैन के बाद जो हम लोग ने स्टार्ट किया उसको कार में, कहीं ना कहीं जैसे बीच हो गया, फिर पेट फेड था तो पेट फेड पे लेके गए, बिकॉज हम लोग चाहते थे कि वो लोगों के थोड़े से क्लोज हो जाए, मतलब डॉगीज के थोड़े से बोलते हैं ना ऐसा, मतलब मीटअप ऐसा टाइप हो जाए. तो इसकी वजह से हम लोग ने मतलब डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग इसको मतलब थोड़ा सा आदत दिलवाएंगे करके. तो उस हिसाब से हम लोग ने ना मतलब आदत दिलवाया. अभी कैसा है ना, अभी हम लोग अभी आर होपिंग कि वो मतलब खुश रहे गाड़ी में जाते जाते हैं, उसको कुछ इशू ना हो, बिकॉज बेसिकली हम लोग का फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल, वो इम्पोर्टेंट है. तो यस, तो मेरा ना एक्चुअली पैकिंग सब करके हो गया, क्योंकि ना ज़्यादा कुछ है नहीं. ये ना मेरे को ना बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ना मुझे कैसा ना, मैं अगर इयर रिंग्स पहनती हूँ ना, या इयर रिंग्स सोने का हो या नकली पहनो इयर रिंग्स, या फिर मेरे गले में अगर कुछ डालती हूँ ना, तो मेरे को इचिंग बहुत जल्दी आ जाता है. एक दिन से ज़्यादा मैं पहन नहीं पाती हूँ, रात को मुझे घंटा निकालना ही पड़ता है, तो ये मेरे को बहुत काम आता है. सो ये तो मैं ले ही रही हूँ, एंड पाउडर ले रही हूँ मैं, ये मुझे एक्चुअली ना डीवर्ट में फ्री मिला था. एंड आई हैव दिस हैबिट कि मैं ना अपने मतलब नहा के आने के बाद ऐसे पूरा पाउडर ऐसे डालती हूँ अपने ऊपर. सो यस, इसलिए ये मैं ले रही हूँ. अभी ब्रश वश रखना बहुत बाकी है, बिकॉज अब वो अभी मैं नहीं कर सकती, टावल रख देती हूँ एक एंड में. मैं अभी ना ब्रश वश नहीं रख रही, बिकॉज अभी बहुत मतलब थोड़े दिन बचे हैं गांव जाने के लिए, एंड गांव जाने से पहले भी ब्रश करना होता है घर पे. सो वो सब मैं बाद में करूँगी, जिसका आई डोंट थिंक व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो अंदर अयो इसका अंदर ही रह गया. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग ने कार में जाने का डिसाइड किया, क्योंकि ना ट्रेन में 20,000 हो रहा था जस्ट फॉर टू पीपल. अभी कार में मैं, मेरी बहन और मेरा पार्टनर जा रहे हैं, हम लोग तीन जा रहे हैं प्लस लूना जा रही है. अगर हम लोग इसमें जाते तो दो जन का कूप का 20,000 होता, प्लस लूना का भी अलग से लेते हैं उन लोग, और अगर लूना का सीट कन्फर्म नहीं हुआ तो उन लोग एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करें. सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग ने कार में डिसाइड किया, जिसका मैं व्लॉग करूँगी. ऑब्वियसली हम लोग रात के टाइम पे निकलने वाले हैं, डेट तो ऑब्वियसली मैं नहीं बताने वाली. ओह माय गॉड, मेरा बैग पैक हो गया, छोटा सा ही बैग है, कैसे दिखाऊँ मैं तुमको, ये देखो इतना सा ही बैग है, अब मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हम लोग बप्पा एक्चुअली ना यहीं से लेकर जा रहे हैं, हम लोग ने ऑलरेडी बुक करके आया है बप्पा. सो यहीं से हम लोग जाने वाले हैं लेके बप्पा, कार में हम लोग लेके जाने वाले हैं. मैं ना आगे ज़्यादा आती हूँ ना, तो मेरा मुंडी ऐसे कट हो जाता है, तो मुझे ना इतना पीछे बैठना पड़ता है, और फिर मेरा थोड़ा आवाज़ बढ़ाना पड़ता है. तो यस गाइस, हम लोग गणपति बापा यहीं से लेके जा रहे हैं. हम लोग ने डेकोरेशन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, अभी गांव में जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कैसे सेटअप करना है. एंड पापा भी आ रहे हैं हम लोग के साथ, पापा भी आने वाले हैं साथ में. तो ये था, मैंने पैकिंग को कर लिया फटाफट. तो मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है ये वीडियो बना के, मुझे इतना बड़बड़ करने का मौका मिला. आई होप तुम लोग बोर नहीं हुए होंगे. मुझे प्लीज़ बताना यार तुम लोग कि हफ्ते में दो वीडियो डालूँ कि हफ्ते में एक वीडियो डालूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे क्या करना चाहिए, तुम लोग ही मुझे हेल्प कर सकते हो गाइस. तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ. अभी पता नहीं मैं मैंगलोर में मिलूँगी या मैंगलोर से पहले मिलूँगी, लेट्स सी. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय.